हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितने क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं ताकि आपके कितने मार्क्स आ जाएं। आपको एक लक्ष्य लेकर के चलना है कि आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन किया हुआ है और आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको कि इधर द्वारा ये 2016 का डेटा मैंने लिया है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि 2016 के डेटा के आसपास ही रिजल्ट रहा है। प्रीलिम्स का रिजल्ट जो इस बार लोअर पीसीएस में तो 12 बोनस मार्क्स के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गया। अदरवाइज आप अपर पीसीएस में देख रहे हो तो पिछली बार का लगभग 61% रिजल्ट था और इस बार का लगभग लगभग 62 पॉइंट समथिंग के आसपास है, शायद 62 पॉइंट समथिंग या 63 के अराउंड है। तो आप देख लीजिए कि डेटा पिछली बार से ही थोड़ा अपग्रेड हुआ है 1 आध परसेंटेज। तो आप उस हिसाब से देखें कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं, बहुत अधिक लंबा न बोलते हुए सीधे डेटा पे आते हैं कि पिछली बार का जो डेटा है वो ये कहता है कि जो लोअर पीसीएस है, लोअर पीसीएस का जो मेन्स है उसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर करंट अफेयर्स वाला है और दूसरा पेपर ऐसे वाला है, हिंदी का है। तो पहले पेपर 200 नंबर का है, दूसरा पेपर भी 200 नंबर का, यानी टोटल कितना हो गया 400। अब आप देखेंगे कि सामान्य में जो कट ऑफ है वो कितनी गई है 196, यानी 50% से भी नीचे है। अगर आप एग्जैक्ट निकालोगे तो आप देखोगे कि लगभग लगभग कितना है, लगभग लगभग आप ये देखोगे तो 49% के अराउंड आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आप एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल लीजिएगा, परसेंटेज में त्रुटि मत ढूंढने लग जाइएगा, लेकिन 50% से कम है इतना तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ऐसी आप अगर ये पूछोगे कि सर इस बार कितना रहने वाला है, तो मैं ये कहता हूँ कि 50% से ऊपर बहुत हद तक सेफ स्कोर होगा। यानी आपको 400 में से कितना नंबर लाना है, 200 नंबर लाना है। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सामान्य परीक्षा, सामान्य कैटेगरी में मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू में सिलेक्शन लेने वाले लोग हैं। अगर आपको सिर्फ इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना है तो आप मुझे लगता है कि 200 नंबर में इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे, बहुत सेफली पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 205 या 210 नंबर वाला जो कैंडिडेट होगा वो मेंस से इंटरव्यू में जाएगा। आप अपनी तैयारी देखें कि क्या आप 210 स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में चयनित होने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे, सामान्य उत्तराखंड महिला। कितना क्या है, 196 पॉइंट समथिंग, सेम है, बहुत अंतर नहीं है। तो आप भी लमसम उतना मान लीजिए कि 200 से 210 के बीच जो है वो बहुत सेफ स्कोर होगा। जो भी अन्य कैटेगरी है, सामान्य पूर्व सैनिक है, अगर ये 188 है तो आप 200 नंबर मान लीजिए एग्जैक्ट, जो अपने में 10 नंबर ऐड कर लीजिए, 196 वाला 206 मान लीजिए, ठीक है, 188 वाला 200 मान लीजिए, 191 जो 178 वाला है वो 188 मान लीजिए। तो इस प्रकार से आप 10 नंबर, 10 से 15 नंबर आप ऊपर अपने को मान करके चलिए कि इतने नंबर आपको लाने होंगे मुख्य परीक्षा से इंटरव्यू में जाने तक। अब आपको पता है कि मुख्य परीक्षा से अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू कितने नंबर का है, 50 मार्क्स का है, ठीक है। अब सोचो अगर आपके 200 नंबर हैं और 200 नंबर के बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू में आपको 50 में से पूरे 50 मिलते हैं, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, अगर कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है तो उसको इंटरव्यू में लगभग लगभग 40 के आसपास मिलेंगे, तो कितना इंटरव्यू कितना मार्क्स होगा, 240। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस आपको पता चला है। कितना मार्क्स हुआ, 240 नंबर। लेकिन आप देखेंगे कि जो नायब तहसीलदार है, जो इसका सबसे बढ़िया पद है, वो कितने में मिला है, 277 पे। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था आपको कि 200 हम कितने पहुंचे थे, 200 प्लस 40 यानी 240, उस पर आपको नायब तहसीलदार तो क्या नीचे के कोई भी पद नहीं मिलेंगे। अगर आप नीचे अभी देखोगे तो 240 किसी की भी मेरिट नहीं गई होगी किसी भी पोस्ट के लिए। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 200 स्कोर तो इंटरव्यू में पहुंचने के लिए चाहिए, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है एग्जाम में तो आपको कम से कम 250 टच करना पड़ेगा इस बार, कम से कम, कम से कम। क्योंकि उससे क्या होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ 250 नंबर, क्योंकि 250 नंबर का मतलब आप समझ लीजिए, अगर 250 नंबर आप ले आते हैं और अगर आपका इंटरव्यू बेहद ख़राब भी जाता है तब भी आपको 25 नंबर, क्योंकि 50% नंबर शायद मिलते हैं इसमें, 50% मिनिमम देने होते हैं। तो अगर आपको ख़राब से ख़राब भी होगा तब भी आपको 25 नंबर मिलेंगे और तब जाकर के आप कितने पहुँचेंगे, 275।
तो आप लगभग लगभग पहुंच गए नायब तहसीलदार के पद के आसपास। समझ में आई बात? तो आप क्या करोगे, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दूँ कि जो पेपर वन है, पेपर वन मेरे दोस्तों वो जीएस का है। जीएस में आप कितनी कोशिश कर लो, जो बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा वो भी मुश्किल से मुश्किल 130 तक पहुंच पाएगा, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। मुश्किल से मुश्किल है, मैक्सिमम कह रहा हूँ ये। लेकिन जो पेपर टू जो भाषा वाला है, जो निबंध वाला पेपर है, उसमें आप जो अच्छा कैंडिडेट है वो 170, 150 से 170 के बीच स्कोर कर सकता है। इसलिए दूसरा पेपर बहुत स्कोरिंग है, दूसरे पेपर की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाऊं कि अगर आप दूसरे पेपर की तैयारी अच्छी करते हैं तो आपको कितने नंबर चाहिए, अगर आपके पेपर टू में सपोज दैट, मैं पेपर टू पहले लिख रहा हूँ, अगर आपके पेपर टू में सपोज दैट लगभग 130 नंबर आ गए, आपने अच्छी तैयारी की, 130 आ गए पेपर टू में, पेपर वन में अगर आपके 100 नंबर आते हैं, एक मोटा मोटा मैं लगा रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 230। और आपके अगर 40 नंबर भी इसमें आते हैं तब भी आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में लगभग पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको कंफर्म सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर टू में कम से कम 150, पेपर वन में आपको लगभग लगभग 110 से, आपको 110 से 120 स्कोर करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में अगर आप 30 से 40 के बीच भी रहते हैं तब भी आप नायब तहसीलदार कर जाओगे। अभी आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर है, आप जिस प्रकार से आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से देखें। ये मेरा एक मोटा आइडिया था और मैंने आपको अपने सुझाव दिए, आप अपने हिसाब से अपना अवकलन करें और फिर उस हिसाब से आप एग्ज़ाम में आगे बढ़ें। तो जो ये कैटेगरी है नायब तहसीलदार 277, मैं फिर से इसमें 10 नंबर ऐड करता हूँ और मैं इसको लमसम 290 नंबर मानता हूँ कि 290 नंबर जिसके होंगे इस बार उसे नायब तहसीलदार आसानी से मिल जाना चाहिए। आप लगभग हर कैटेगरी में 10 से 15 नंबर आप ऊपर मान करके चलिए कि वो पद आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड है आपकी पूर्ति निरीक्षक, जो इस बार भी पद है, इसमें 259 पे मिला है, तो आप इसको इस बार 270 मान लीजिए, 270 पे आपको इस बार पूर्ति निरीक्षक मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी हर कैटेगरी 200 254 वाला 200 लगभग लगभग 270 254 वाला लगभग लगभग 265 मान के चलिए, 209 वाला जो है वो 220 मान के चलिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी को 10 से 15 नंबर अप रख के चलिए और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। कर अधिकारी आप देख लीजिए कितना है, 265 है, तो आप 200, फिर वही 275 के अराउंड मान लीजिए, 275 से 280 के बीच में कह रहा हूँ कि कर निरीक्षक आपको इस बार, कर अधिकारी आपको इस बार मिल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो इसमें एक और पद था पिछली बार परिवहन कर अधिकारी, वो 268 पे मिला हुआ है, तो आप 268 के स्थान पे इसको आप मान लीजिए 280 से 285 के बीच आपको परिवहन कर अधिकारी भी देखने को मिल जाएगा। तो मोटा मोटा जो है, मैं पूरे पद का तो कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि जो ये वाली स्लाइड थी नायब तहसीलदार का, नायब तहसीलदार आपके मान के चलिए कि अगर आप नायब तहसीलदार चाहते हैं तो आप लगभग 290 प्लस स्कोर आपको करना होगा, कितने में से, 450 में से। बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आप भी मान करके चलिए। तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, पेपर वन में आप कितना स्कोर रख रहे हैं, पेपर टू कितना रख रहे हैं, पेपर आप देखते हैं कि आप इंटरव्यू में किस प्रकार की पर्सनालिटी हैं, कि आपको 30 कर जाओगे, आप 40 कर जाओगे, आप 45 कर जाओगे, वो आपके ऊपर है। तो अपने को एनालाइज़ कीजिए, मेरी बातों पर मत आइएगा कि मैंने कहा कि पेपर वन में इतना ही करना, तो इतना अगर आप पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको लगता है कि इंटरव्यू में 45 करूँगा, तो आप पेपर वन टू को उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। आपका पेपर टू अच्छा है तो आप पेपर टू में 180 कर लीजिए, आपका पेपर वन अच्छा है तो आप पेपर वन में 150 कर लीजिए। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा, इसलिए आप अपने हिसाब से तैयारी करें। ये मेरा एक सुझाव था, एक अनुमान था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं कि आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।